इस वेब सीरीज को अगर लोग देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ श्वेता तिवारी के इंटीमेट सीन्स के लिए। हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट, और मैं हूं राशि शेख। आज हम लोग बात करेंगे नई वेब सीरीज के बारे में जो कि रिलीज हुई अल्ट बालाजी और ZEE5 ऐप पर, जिसका नाम है हम तुम एंड देम। इसमें हमें नजर आते हैं श्वेता तिवारी और अक्षय ओबराय। इसमें अभी फिलहाल सिर्फ 7 एपिसोड रिलीज हुए, बाकी के एपिसोड आने वाले हैं वो कुछ दिन में आ जाएंगे। इसे डायरेक्ट किया सहीर रजा ने और इसमें हमें हर एपिसोड के लिए लगभग 25 मिनट से लेकर 21 मिनट की नजर आती है। कहानी की बात करूं तो इस वेब सीरीज की कहानी की बात हो तो कहानी शुरू होती है अक्षय ओबराय से, जिसका इस वेब सीरीज में नाम है यूडी। यूडी एक मैरिड है, उसके 3 बच्चे, 2 बेटा 1 बेटी, लेकिन तीनों बच्चे इसके साथ नहीं रहते। तीनों बच्चे अपने नाना नानी के साथ रहते कसौली में, और ये इन तीनों बच्चों से मिलने हर 6 महीने में एक बार जाता है। उसके अलावा ये अपने बच्चों की खैर खबर कभी पूछता नहीं है। ये एक किस्म से देखा जाए तो एक बहुत थर्ड क्लास बाप बताया गया है, जिसको सिर्फ सेक्स और सेक्स करना है और उसको जरा भी जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है नहीं अपने बच्चों के लिए। खैर, अब 6 महीने हो चुके और ये फाइनली अपने बच्चों से मिलने के लिए कसौली जाने वाला है, वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा रोकूंगा, यहाँ पर मैं आपको श्वेता तिवारी के बारे में बताऊंगा। श्वेता तिवारी ने इस वेब सीरीज में रोल प्ले किया है शिवा का। वो डायवोर्सी है, वो अपने हस्बैंड के सिर्फ इस वजह से बातचीत करती है क्योंकि इन लोगों की एक बेटी भी है जिसका नाम है जहां। तो श्वेता तिवारी अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि उसकी बेटी उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि उसकी बेटी का यह कहना है कि जब तुम लोग ने डायवोर्स लिए तो तुम लोगों ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि तुम लोग के डायवोर्स के बाद मेरी लाइफ किस तरीके से इफेक्ट होगी। तो इस वजह से वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा नाराज रहती है, लेकिन फाइनली श्वेता तिवारी डिसाइड करती है क्यों ना अपनी बेटी जहां को लेके वो हॉलीडे पर जाए कसौली। तो फाइनली अब वो दिन आया था जिस दिन इनको कसौली जाना होता है, तो अपनी बेटी के साथ कसौली के लिए जाती तो है, लेकिन एयरपोर्ट पर उसकी बेटी उसको मना कर देती कसौली जाने से। तो फाइनली वो अकेले ही कसौली जाती है। कसौली जाने के बाद वहां पर उसकी मुलाकात होती है होटल रूम में अक्षय ओबराय से। अब होटल रूम में अक्षय ओबराय से उसकी कैसे मुलाकात होती, क्यों होती है और उसके आगे क्या कुछ होता है, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता कि ये वेब सीरीज मुझे पर्सनली कैसे लगी। तो यार ये मुझे आप लोगों को सीधा बता दूं कि मैं आपको घुमा फिरा के नहीं बताता, मेरे हिसाब से एक टाइम पास वेब सीरीज है। इन लोगों के पास कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पर आपको बेमतलब की सेक्स से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेगी, यानी कि एकदम अंधाधुन यहाँ पे सेक्स को प्रमोट किया है। अगर मैं अक्षय ओबराय की कैरेक्टर यूडी की बात करूं तो यूडी एक थर की किस्म का एक स्टड, या फिर आप कह सकते हो इतना सेक्स का भूखा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड या फिर श्वेता तिवारी कैरेक्टर शिवा या जितनी भी लड़की मिले सबके साथ फ्लर्ट करता है, सबके साथ सेक्स करने आता है। वो रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ सेक्स है, वो किसी से प्यार नहीं करता। और वो अपने बच्चों को तो एक धरती का बोझ समझता है, उसको ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं बच्चे ही पैदा नहीं करता। तो यहाँ पर मेकर्स ने खुलेआम सेक्स को प्रमोट किया, आधे से आधा एपिसोड में सेक्स को प्रमोट किया गया। बाकी के एपिसोड में हमें यह बताया कैसे वो अपने बच्चों के साथ रहने की, दोनों भी अक्षय ओबराय और श्वेता तिवारी कैसे अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रही है, बस वही 7 एपिसोड में देखने मिला। तो मेरे हिसाब से एक टाइम पास वेब सीरीज है फिलहाल तो, क्योंकि आने वाले जो एपिसोड है उसमें हमें यह बताया गया कि खट्टा मीठा आप लोगों ने मूवी देखी होगी जो बॉलीवुड में रिलीज हुई थी। मैं यहाँ अक्षय कुमार की मूवीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे खट्टा मीठा जो 70s के दौर में आई थी उसमें जो एंगल बताया था बिल्कुल वही मिलता उलता एंगल हमें आने वाले एपिसोड में देखने मिला कि कैसे श्वेता तिवारी अब अक्षय ओबराय के घर पे जाएगी, उसके साथ रहेगी, लेकिन वहां पर उसके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, तो कैसे ये उनके बच्चों के साथ एडजस्ट करेगी, कैसे उसके बच्चे इसके साथ एडजस्ट करेगी, प्लस श्वेता तिवारी की जो बेटी जहां वो कैसे उनके 3 बच्चों के साथ एडजस्ट करेगी। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको आगे के एपिसोड देखना पड़ेगा। मैं तो बोलूंगा अगर आपको देखना तो आप लोग देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको श्वेता तिवारी काफी बोल्ड अंदाज देखने को मिलेगा। ये वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जो इसमें सेक्स से रिलेटेड जो चीजें डाली गई है ना वो थोड़ा सा मुझे खटक रही थी। अगर आपको लोग अच्छी लगती है तो आप लोग देख सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेब सीरीज खराब है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें थी जो मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए तो ये टाइम पास होता। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, और हाँ, नेगेटिव कमेंट करना तो बिंदास कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे हाथ है, मैं तुम्हारा हाथ तो रोक नहीं सकता, बिंदास दबा के करो। हाँ, पॉजिटिव कमेंट करोगे या अगर आप लोग ने ये वेब सीरीज देख चुके हो, आपको ये वेब सीरीज अच्छी लगी भी मुझे जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, बाय।